तो आज की आर्ट में एक स्पेशल डे के लिए बना रही हूँ। और इस आर्ट में जो भी बना रही हूँ वो ऐसा नहीं है कि हम कहीं और यूज नहीं कर सकते हैं, आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले एक ABCD का सिलिकॉन मोल्ड लिया है। ये मोल्ड बहुत काम का है, रेजिन में काम आता है, आप सीमेंट में भी काम ले सकते हो, तो काफी अच्छे इसमें से बर्ड बन के निकलते हैं। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप भी इसे परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने सैंड, व्हाइट सीमेंट और ग्रे सीमेंट तीनों के मिक्सचर को मिक्स करके ये एक पेस्ट बनाया है, और इस पेस्ट को मैंने इस नंबर के अंदर जो हमारे बर्ड हैं उनके अंदर फिल कर दिया है। फिल करने के बाद में कम से कम इसे हम 24 घंटे के लिए ड्राई होने रख देंगे। गर्मी में तो 10 से 12 घंटे में ड्राई हो जाता है, पर सर्दियों में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। तो चलिए तब तक हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं। तो आज हम जो बना रहे हैं वो मैं बना रही हूँ इस MDF बोर्ड पर, जिसका साइज है 10x14। तो इस बोर्ड को आज हम तैयार करेंगे, और इसके लिए मैंने ली है एक्रिलिक बॉल पुट्टी। वैसे हम पाउडर वाली बॉल पुट्टी भी ले सकते हैं, और इस एक्रिलिक पुट्टी को और अच्छा बनाने के लिए मैं आपको आज एक बहुत जरूरी बात बता रही हूँ, एक ऐसी चीज जिसके बाद में अगर आप इसको मिला लेंगे तो यह एक्रिलिक बॉल पुट्टी जो एक बहुत अच्छे टेक्सचर पेस्ट के रूप में आ जाएगी। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा फेविकॉल MR मिलाएंगे, और फेविकॉल MR मिलाने के बाद से बहुत अच्छे से इसको फेंटना है, और उसके बाद आप देखेंगे इस तरीके से ये कितनी स्मूथ और बहुत अच्छी हो गई है। इस पेस्ट को अगर आप कॉर्न में भर के काम करते हो तो भी बहुत अच्छा होगा, और अगर आप टेक्सचर दे रहे हो तो भी बहुत अच्छा आएगा। और इसको मैंने बोर्ड के ऊपर लगा दिया, और उसके बाद इसको ब्राइट से टेक्सचर दिया है। टेक्सचर बहुत बारीक और बहुत अच्छा आया है। मुझे ऐसे ही टेक्सचर की जरूरत थी, क्योंकि बहुत बड़ा टेक्सचर आज मुझे नहीं चाहिए था, सिर्फ इसी तरीके का चाहिए। तो चलिए इसको भी हम ड्राई होने रख देते हैं, क्योंकि 1 से 2 घंटे तो इसको भी ड्राई होने में रखेंगे। और जो हमने मोल्ड बनाए थे बर्ड के, वो मैंने एक दिन पहले ही बना के रख दिए थे, तो वो आज हमारे ड्राई हो गए हैं। तो ये तो हमारा बेसिक काम था जो कि पूरा हो गया, और अब हम इसके बाद में जो काम करने वाले हैं ना उसमें बहुत मजा आने वाला है। तो सबसे पहले अब हम इन बर्ड को तैयार करेंगे। ये बर्ड बहुत आसानी से निकल जाते हैं इसमें से, तो एक एक करके फटाफट मैंने निकाल लिए, और ये देखिए सारे बर्ड बहुत ही अच्छे हैं। अगर थोड़ा बहुत कहीं अनइक्वल है तो आप उसे घिस करके सैंड पेपर से साफ कर सकते हैं। नमस्कार, सबसे पहले तो आप सबको इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बहुत बधाई। आप जानते हैं कि 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है, पर आप एक बात जानते हैं कि इसकी हर साल अलग अलग थीम होती है। इस साल की थीम क्या है? इस साल की थीम में इंस्पायर इंक्लूजन, यानी कि एक महिला को सम्मान देना या सम्मान के लिए प्रेरित करना। आजकल महिला हर क्षेत्र में काम कर रही है, हर कोई पढ़ लिख कर एक अच्छा सा मुकाम हासिल कर रही है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां महिलाएं काम नहीं कर रही, कोई भी फील्ड हो हर जगह महिला तैयार है काम करने के लिए। लेकिन आज मैं कुछ उन महिलाओं की बात करना चाहती हूँ जो कि काम तो कर रही हैं पर उनको बहुत सम्मान नहीं मिल रहा। मुझे मौका मिला है आज कुछ बोलने का, तो प्लीज ध्यान से सुनिए। कुछ महिलाएं होती हैं जो कि बाहर जाके काम करती हैं, क्योंकि वो पढ़ लिख चुकी हैं, अच्छा मुकाम हासिल कर सकती हैं। मैं बहुत सारी चीजें बचपन से देखती आ रही हूँ। कुछ महिलाएं होती हैं जो घर में काम करती हैं, घर में रहकर वो घर भी संभाल रही हैं और काम भी कर रही हैं, और इसके साथ में 4 वर्कर्स को काम दे करके नहीं उनका भी घर चला रही हैं। तो ये है ना एक अच्छी बात। पर मैंने देखा है उन महिलाओं को वो सम्मान नहीं मिलता जो उन महिलाओं को मिलता है जो घर से बाहर जाकर के नौकरी करती हैं। क्यों उनकी मेहनत को मेहनत नहीं समझा जाता? एक घर में रह के घर को संभालना और उसके साथ साथ काम करना, ये कोई नॉर्मल बात नहीं होती है। मैं चाहूंगी कि आज से उन महिलाओं को भी उतना ही सम्मान मिले जितना कि बाहर जाके काम करने वाली महिलाओं को मिलता है। तो सबसे पहले मेरा उन महिलाओं को हैप्पी वुमेन्स डे जो घर में रह के काम कर रही हैं और साथ में अपने परिवार को भी देख रही हैं। बचपन से मैंने यही देखा है कि जो महिलाएं काम करती हैं ना उनको एक देखा जाता है कि बस मेहनत कर रही हैं, कोई बात नहीं है, वो सम्मान नहीं मिल पाता। तो आज की थीम भी यही है कि हर महिला को सम्मान मिलना चाहिए और दूसरों को इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। तो हैप्पी वुमेन्स डे हर उस महिला को जो कि काम भी कर रही हैं और घर भी संभाल रही हैं।
चलिए इससे आगे का वीडियो देखते हैं। तो सबसे पहले हम इन बर्ड को तैयार करेंगे, क्योंकि आज ये जो बर्ड है वो जहाँ यूज होने वाले हैं वहाँ के लिए अगर उन्हीं की तरह तैयार नहीं किया तो मजा नहीं आएगा। तो यहाँ मैंने बॉल पुट्टी से डो बनाया है, जो सादा बॉल पुट्टी होती है उसके अंदर फेविकोल मिक्स किया है बस, और उसी से ये डो बना लिया है। और इस डो से मैंने हर बर्ड के ऊपर छोटे छोटे फ्लावर के बंच लगाए हैं। तो ये फ्लावर मैंने किसी में दाएं लगाए हैं, किसी में बाएं लगाए हैं, किसी में ऊपर लगाए हैं, तो सारे ये अलग अलग तरीके से मैंने तैयार किए हैं, क्योंकि मैंने ये देख लिया था कि इनको रखने के लिए इस तरीके से लगाए जाएं कि सबके एक एक साइड में ये फ्लावर आ जाएं। तो उसी तरीके से तैयार किए हैं, जब ये पूरे लगेंगे तब आपको पता पड़ेगा। और अब हम करेंगे कलर। तो कलर भी मैंने हर बर्ड के ऊपर अलग अलग किया है, जिससे जिसके ऊपर अच्छा लग रहा है। कहते हैं गर्ल्स का कलर पिंक होता है, कि गर्ल्स को बहुत पसंद होता है पिंक कलर। थीम में मैंने भी पिंक फैमिली ही ली है, पर मैंने थोड़े अलग अलग कलर भी लिए हैं। ऐसा नहीं है कि हम गर्ल्स और वुमेन्स के लिए केवल एक ही कलर को रख दिया जाए, सबको अपने अपने कलर पहनने का अधिकार है। तो यहाँ मैंने बर्ड्स में भी अलग अलग कलर लिए हैं। तो सारे बर्ड तैयार होने के बाद आप अब ध्यान से देखो, ऐसा लग रहा है कि हर शब्द अपने जूड़े पर बंच लगाया हुआ है, बहुत सुंदर दिख रहे हैं। तो सारे बर्ड हमारे तैयार हो गए, और अब हमारा जो टेक्सचर है वो भी ड्राई हो गया है। तो मैंने उसके ऊपर भी कलर कर दिया है, डार्क और लाइट दोनों ही कलर दिए हैं। और टेक्सचर के ऊपर कलर करने के बाद मैं इन बर्ड को लगाकर देख लेते हैं। देखो बर्ड कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत प्यारे दिख रहे हैं, पर अभी भी कुछ अधूरा है कि हमने जैसे बनाया है जिस चीज के लिए वो चीज अभी अधूरी है। तो मैंने यहाँ पर एक वुमन ट्रेस की है और उसको एक थिक शीट पर ट्रेस करके कट कर लिया है, उसके अंदर मैंने कलर कर लिया है। कहते हैं कि एक वुमन्स की पहचान होती है लाल पीली साड़ी पहनी है और बालों में गजरा लगाई है और माथे पर बिंदी है और हाथों में चूड़ियां हैं। जब भी हम किसी वुमन्स के लिए सोचते हैं ना, तो वो छवि हमारे सामने आ जाती है कि वो इसी तरीके की दिखती होगी। तो मैंने बनाने की यही कोशिश की है, एक वुमन जो हम लोगों के आंखों के सामने जो छवि आती है वही बनाने की कोशिश की है। और लास्ट में दोनों कोनों पर मैंने स्टेंसिल्स भी बनाई है। पर ऐसा नहीं है, हर वुमन्स को अपने तरीके से रहने का अधिकार है। जरूरी नहीं है हर किसी को गजरा पसंद हो, जरूरी नहीं है हर किसी को लाल पीली ही साड़ी पसंद हो, दूसरा कलर भी पसंद हो सकता है। तो हर किसी वुमन्स को, हर गर्ल्स को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार। चलिए ये हमारी पूरी तैयार हो गई है, और अब हम देखते हैं तैयार होकर कैसी लग रही है। और आज की वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो आज हमने बनाई है ये नेम प्लेट हैप्पी वुमेन्स डे। इसके अंदर जो कलर रखी है मैंने, आमतौर पर बोला जाता है ये कलर्स गर्ल्स के हैं, ये कलर्स लेडीज के हैं, पर ऐसा नहीं है। ये कलर्स कोई भी पसंद कर सकता है, इसके अलावा भी हम पसंद कर सकते हैं, क्योंकि अपने अपने कलर पसंद करने का अधिकार है, अपनी पसंद को पहनने और ओढ़ने का अधिकार। तो मैंने ऐसे पिंक बनाया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि पिंक ही हो, आप कोई भी कलर बना सकते हैं। आजकल तो सभी अपनी अपनी पसंद का पहनते ओढ़ते हैं, तो फिर हर जगह एक ही कलर की थीम क्यों रखना है। मैंने जो बर्ड बनाए हैं उनको आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं, मदर्स डे पे यूज कर सकते हैं, नेम प्लेट में यूज कर सकते हैं, बहुत जगह।
तो आज के ये आपको नेम प्लेट कैसा लगा? मैं इस नेम प्लेट को एक ऐसी जगह लगाने वाली हूँ जहाँ मैं आते जाते इसको देख सकूँ। तो मैं सबसे ज्यादा टाइम कहाँ स्पेंड होता है महिलाओं का? किचन में। तो मैं इसे किचन में लगाऊंगी और आप चाहे जहाँ इसको यूज कर सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, ऑल पर क्लिक करिए, जिससे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएंगे। हैप्पी वुमेंस डे। बाय।